भैया रही थे यार हमने किसी ठीक है चेक करने के लिए गए तो उस किसी बात का से वो जो सारे हैं कहाँ गए जिनके साथ हमें लड़ाई हुई थी तो उनके बाद मैंने कहा सर आप जल्दी चेक कर लीजिए हमको जाना है क्योंकि हमारे जिले में लॉकडाउन की स्थिति है और ऐसी स्थिति में इंदौर से चार महिलाएं एक पुरुष दो गाड़ियों पर सवार होकर के और हमारी जो नरसिंहपुर जिले की जो पनागर स्थान है जहां सीमा प्रारंभ होती है वहां से गुजर रहे थे हमारा चेक पोस्ट बनी हुई है वहां हमारा पुलिस फोर्स के अलावा चिकित्सा विभाग का अमला के लिए लगा है स्क्रीनिंग के लिए लगा हुआ है प्राथमिक स्वास्थ्य के लिए लगा है कि कहीं किसी जो आ रहा है उसमें कोरोना वायरस के लक्षण तो नहीं है तो वहाँ चेकिंग चलती है तो उनको रोका गया उन्होंने स्क्रीनिंग कराने से इनकार किया और अभद्र व्यवहार किया एक बोतल लड़कियों ने फोड़ करके मारी तो जो शिक्षा विभाग का कर्मचारी लगा हुआ था उसके पैर में फूट के लग गई उनका मेडिकल कराया गया मेडिकल हॉस्पिटल भेजा गया स्थिति पे काबू पा लिया गया और संबंधित खिलाफ कार्रवाई के लिए पुलिस कार्रवाई के लिए संबंधित को थाने ले आई है स्थिति सामान्य सर इंदौर से यहाँ तक आना कहीं ना कहीं दूसरे जिलों में भी ये ढील सामने आ रही है सर निश्चित तौर पे लॉकडाउन की स्थिति थी इंदौर में हो सकता है कुछ जिलों में लॉकडाउन ना हुआ हो लेकिन इंदौर से लेके लगातार उनका दो मोटरसाइकिल पर लगातार चले आना अवेयरनेस की कमी को दर्शाता है कि कोरोना वायरस जैसी महामारी को लेकर के भी अभी अवेयरनेस नहीं है लोग एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर बिना किसी सुरक्षा साधन के